खजनी थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में चुनावी रंजिश में दो गुटों में झड़प के बाद गोली चल गई और तीन राउंड फायरिंग की गई। पुलिस की माने तो खजनी थाना क्षेत्र के महुआ डाबर पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रौलिया में बुधवार रात करीब 10 बजे वोट मांगने को लेकर ग्राम प्रधान पद के दो प्रत्याशियों के बीच मारपीट शुरू हुई। इसी बीच किसी समर्थक ने तीन राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली ग्राम प्रधान प्रत्याशी और पूर्व प्रधान 50 साल के राघवेंद्र दुबे को लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में घायल प्रधान प्रत्याशी को मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि निवर्तमान प्रधान शंभू यादव के समर्थक वोट मांग रहे थे, वह राघवेंद्र दुबे के एक समर्थक के घर पहुंचे, जहां पर नोकझोंक हुई। इसके बाद शंभू यादव के समर्थक बाइक छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में किसी ने खबर दी कि बाइक में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद शंभू यादव और राघवेंद्र दुबे आमने सामने आ गए। दोनों प्रधान प्रत्याशियों के बीच मारपीट हो रही थी, तभी किसी ने तीन राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली राघवेंद्र दुबे को लग गई और वह खून से लथपथ हो गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, पासवान वो अपने मकान से आ रहे थे, बाजार तक आए, बाजार से अल्लाह सुबह के यहाँ तक आए, देखे पता चला। उसके बाद जब होने लगा उसके बाद डायरेक्ट आए दिल्ली दुबे को। कल रात में 11 बजे के आसपास सूचना मिली कि खजनी थाना क्षेत्र के गांव में दो प्रत्याशियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक पूर्व प्रधान राघवेंद्र दुबे को शंभू यादव नामक व्यक्ति ने गोली मार दी, जिसकी भाभी निवर्तमान प्रधान है। वर्तमान में दोनों प्रत्याशी हैं। शंभू पक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें राघवेंद्र दुबे उधर से आ गए और कुछ ऐतराज करने पर हाथ-ताक इतना आगे बढ़ गया कि शंभू ने राघवेंद्र दुबे को गोली मार दी। उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिला अस्पताल ने मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया और वहां से वो लखनऊ रिफर हुए, जहां उनका उपचार हो रहा है। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है मजरूह पक्ष द्वारा, उसमें शंभू यादव वो कुछ अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शंभू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे विवेचना के अंतर्गत अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करके मामले को विधिक रूप से माननीय न्यायालय तक प्रस्तुत किया जाएगा। सर, चूंकि आज गांव पे प्रधानी का चुनाव हुआ था, तो सर इसमें क्या कोई तनाव की स्थिति में पुलिस ने कोई व्यवस्था किया था? वहां जो फोर्स पहले से लगी थी उसके अलावा कुछ अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई थी और लगातार मोबाइल से वहाँ चक्कर लगा रही थी कि उसके रिपरकशन में कोई बात न होने पाए, लेकिन वहाँ मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ।